गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग रहेगा दीदी के घर का। तो आज हम जा रहे हैं दीदी के घर, जो होली की कोथली होती है वो लेके। तो चलिए मैं जल्दी से रेडी वगैरह हो जाती हूँ काम करके घर का सारा। अभी हम उठे हैं, थोड़ी सी देर हुई है बस, बच्चे भी उठ गए हैं सब। थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी करके, और फिर फ्री होके चलते हैं दीदी के घर। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में आपसे, अब जब तक मैं काम कर लेती हूँ आपसे। हेलो नी, कहाँ जा रहे हो आप? बुआ की? कौन सी बुआ की? सुमन के? और कौन सी बुआ? सारी सारी बुआ के। क्या क्या नाम है आपकी बुआ के? ममता। ये दीदी के और के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने गई है, मिठाई तो हम ले आए हैं, फ्रूट लेने गई हैं। तो चलिए चलते हैं दीदी के घर। हाँ जी नितेश, आप खुश हो आज? ज्यादा नहीं, क्यों? एक तो स्कूल की छुट्टी लग गई तेरी। गाइस इसको बड़ा मजा आ रहा क्योंकि इसकी स्कूल की छुट्टी लग गई। ये चाहता था कि मैं स्कूल। मेरी तो पहले से ही लगी हुई है। क्यों पहले से क्यों लगी हुई है? जाना नहीं था फिर आज तो? ये पहले से ही छुट्टी कर रहा है इतने दिनों के इसको, क्योंकि ये हरिद्वार गया था और अब हरिद्वार से जा रहा है बुआ जी के घर। तो इसकी लगातार छुट्टी चल रही है, मजे आ रहे पूरे, अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां। तो गाइस चलिए मिलते हैं। छुट्टी? ओके गाइस, ये देखो मैं गलत बोल रही थी, छुट्टियां चल रही है। अनवी ने बोला मामा क्या बोलते हैं? ओके छुट्टी। तो चलिए मिलते हैं दीदी के घर। लो जी दीदी के गांव में तो पहुंच गए। ये लो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं दीदी के घर और दीदी तो हमारी वेट में पहले ही बाहर खड़े हैं। हमारे पहुंचते ही हमें दीदी बाहर मिल गए। तो चलिए चलते हैं दीदी के घर। दीदी नमस्ते। दीदी के घर अन्नी डॉगी भी इनके घर देखो रहा बंद रे। दीदी को भी गेट खोल देंगे आप एक बार। दीदी का थोड़ी सामान ना खोल दूंगे तू के जा मेरी सामान बाकी ब्रोटा केयर का। वैसे गाइस घर में बच्चे तो है नहीं, स्वीटी तो स्कूल में गई हुई है और प्रिंस अपनी ड्यूटी पे और जिया जी अपने काम पर गए हुए हैं। तो दीदी ही है घर पर अकेले। बस तू दो चार और मेरी फिर आप दोबारा करोगे और आज तो धूप बोते जा क्या अभी आ रही हूँ डूब जाओ। देखा नीन के घर भी है नोने नोने बेबी आ रही हूँ क्या हो गया। तो गाइस दीदी ने एक बार अपना भैंसों का काम किया है, ये अच्छा, काफी लेट हो गए थे इसलिए कह रहे मैं एक बार इनको कर देती हूँ बांध देती हूँ फिर बैठते हैं अंदर। एक बार चलो आपको भी दिखा देती हूँ इनकी भैंसे। अन्नी देख नोना बेबी भी है, अरे दिखाऊंगी देखिए रहा ये रहा। नमस्ते कर दिया तूने बुआ जी की। आपको एक वाला
दीदी ने अभी अभी मतलब कुछ टाइम हुआ है अपने कैबिनेट तैयार करवाया, तो दिखा रहे कि देखो अच्छा हमारे कैसे लग रहे बताओ। आपके भाई नहीं लगे थे ज्यादा, मैं तो कौन थे देखिए देती अच्छा ये देख देखा छोटा ही, इतने बड़े बड़े लड्डू देखो। तो ये दीदी के लिए सूट लेके आए थे जो लेके आने होते हैं, और ये बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा का सामान है ये तो। और दीदी जब तक चाय लेके आ रहे हैं अभी, अब हम चाय पानी पी कर तो फ्री हो गए हैं, अब हम बैठ के बातें कर रहे हैं। दीदी की जेठानी भी आई हुई है यहीं हमसे मिलने, और इनसे भी बात कर लेते हैं। इन बहन भाइयों की आपस में बहस हो रही है कि शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया, पर किसी रीजन से इनको छोटी शादी करनी पड़ गई थी इसलिए। दीदी और ने अब एक कुत्ता भी रख लिया है, पहले तो नहीं था, इन्होंने अब रखा है। ये देखिए कैसे देख रहा है, पर मुझे इससे डर लग रहा है, पर मैं इसको दूर से ही शूट कर रही थी। चलो मेरे लो आप ये लेके चलो गाड़ी में, लो ये रख लो ना, चलो ले जी मदर दे। अब हमारी वापसी की तैयारी हो गई, दीदी हमारी वापसी कर रही है। लड्डू बना रखे थे ना, रुक जा चालीस रुपये मावे ने गया, पचास रुपये दे दो। इसमें बस आई गए उसमें, लो ये और कर ये रुक जा मेरा खोल दिया गेट और भी तार उतारिए, ये डब्बे इसमें क्या है लड्डू थोड़े और दे दो, ए बहुत खा दो हम खा ले बहुत ये तुम्हें कौन खा लेगा, लो रुक जा अभी तो देंगे वे बस चुलाई ले दो खाओगा तो रहने दे हम ले लेते और तेरे के बात रुक जा। दीदी ने हमारे लिए चुलाई के लड्डू बनाए थे, अब हमारे लिए पैकिंग कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छे लड्डू बनाने आते हैं इसलिए। और मखा कौन कर दे जरूर, मैं तो राज वीरता कर देता। अच्छा राज वीरता है, मैं मखा लिया उस खाने का नहीं था, मैं नहीं मखा भेज दे दी क्या तुमने पकड़ थोड़ा भेज। अब हम एक बार ना दीदी की जेठानी के घर जा रहे हैं, ये इनके घर नई बहू आई है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आ जाए बैठ जा।
कुर्सी पे तो तू ही बैठी है। बैठ गई ना के ना, मैं तो वो खड़ी है रूम के ताड़ी पर बैठी हूँ। ये लो जी नई बहू आ गई, इसकी मुंह दिखाई कर देते हैं। इतनी बड़ी नहीं। नमस्ते फिर सिर पे तो हाथ रख दो ना, रखते रहना चाहिए। कभी मैं एक बहू बहुत सुंदर थी। अब हम चल रहे हैं घर। तो गाइज अब हम यहाँ से तो फ्री होके चल पड़े हैं। अब हम चलते हैं दूसरी दीदी के घर। अब वहां जाना है। ये लो जी दूसरी दीदी के घर भी आ गए। ये उनका घर है जो सबसे बड़ी वाली दीदी है, रानी दीदी। चलिए इनसे भी मिलते हैं। चलो भैया ठीक है। नहीं आ रहा, नहीं सेट नहीं आ रहा। ना अब की बार कोई ऐसा नहीं है। बैग बिठाओगी क्या? बैग देख, ये तो नहीं दिए करिए। बोल बैग किस वजह से ये कौन सी अच्छे ओ मारी इसकी बात लगाता हूँ। उसका क्यों चिंता कर रहे हो उसकी? तो मस्त हो गया घर तो बिल्कुल। देंगे, रुक जा दो मिनट, शांति करेंगे। कितना अच्छा घर हो गया ना दीदी का, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दीदी ने ना अभी तैयार करवाया ये अपना सारा दोबारा से, बहुत अच्छा लग रहा है। इनसे मिलिए, ये है नीरज, दीदी के लड़के की वाइफ, यानी कि ये हमारी बहू है। हाँ, फर्श और पेंट रह गया, रसोई तो उसकी से ही होगी, दरवाजे हो गए उस तय। अब तो घर भी एक नंबर का हो गया नीरज, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है घर अब तो है। तुम्हारा कल मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं कहा बिल्कुल ही एक नंबर का लग रहा है घर। फ्रूटी ना पीवा तो ना पी ली छोरे, नॉर्मल पिया दो, इसकी तासीर गर्म हो वैसे फ्रूटी की। दूसरी पीवाई हो यूं है, इन्फेक्शन का डर रहा है इनका, और तो कुछ को नहीं। बैठ कर पी लो, बैठ कर। अरे अपनी भाभी तो वह येलो कर ले, नूसर मान तक जा। अनवी ये भाभी लगती है आपकी, भाभी है वो। फ्रूटी में बिजी हो गए सारे। और भाई ना बिल्कुल सुंदर लग रहा है तो सारा घर, एक तो पेंट भी हो गया, फर्श भी हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। थैंक यू। और तो फिर बंदा रहेगा, अरे लगे लारा तो हो ही जा, रपी लगाए जावा। यार ये तो उसे भी छतो वही है, काम तो खैर छिड़े पीछे होते तो कोनी सहले सी, यह तो बात है। आहो यूं तो यूं ही दुखी कर रही है। तो भाई आ जा, तीसरे तेरी भी सवारी आ रहे थे।
जय श्री राम। बेटे के पे तो झंडा बच्चे तो सारे खेल लगे। और ये देखिए ये हमारे जीजा जी हैं, बैठे हैं ये भी इनके पास, इसके पापा के पास बैठे हैं। यही है बच्चे का इकट्ठे होने के बाद तो ज्यादा। तो गाइस अब हम सबसे मिल लिए हैं, हमने चाय पानी अच्छे से ले लिया है, अब हम चल रहे हैं अपने घर। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इन सबको भी हमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हमने खूब एंजॉय किया। तो चलिए अब घर चलते हैं, आज का टूर हुआ कंप्लीट। चलो भाई चलो, ठीक है दीदी, नमस्ते चला गया आजा। कहाँ बैठे हुए? अच्छा, ये हमारे साथ जीजा जी आए हैं, इनको अड्डे पे उतारना है, मैं इसलिए थोड़ी सी दूरी है, हमारे साथ चलने के लिए आए थे, फिर इनको हम रास्ते में उतारते हैं। तो गाइस जीजा जी को हमने उतार दिया है, अब हम घर जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह हमारे व्लॉग्स को देखते रहना, थैंक यू, बाय बाय।